अच्छा मौसम भाई, अब यहाँ पे सवाल आपसे ये है जी बिल्कुल कि 228 रन की शिकस्त के बाद देखिए अब पाकिस्तान जरा थोड़ा देखें, रोहित एशिया कप, ऑनेस्ट टू गॉड ही इज फॉर मी द स्किपर ऑफ एशिया कप। अगर एशिया कप की टीम बने, आपको अपनी टीम बता देता हूँ वर्ल्ड कप की, रोहित शर्मा। प्रणाम दोस्तों, जय हिंद। कैसी रही मूवी? मूवी थी भाई, मैच 108-108 घंटे का होता है। मूवी थी, मेन हीरो थे सिराज और बाकी तो साइड हीरो थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा सब साइड हीरो थे कल। डाई हार्ड फैंस बुरा मत मान जाना, हमेशा बैट्समैन को ही बहुत बड़ा बड़ा रिगार्ड देते हैं हम लोग, बनता है यार। और इसके साथ ही अब वर्ल्ड कप की टीमें तैयार होने लगी हैं, जिसमें सिराज सबसे ऊपर हैं और बाकी जो 10 हैं वो लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ भी एक टीम देखने वाले हैं। इस सक्सेसफुल स्क्वाड में से कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सीधा सीधा वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं? सिराज तो पक्का, क्योंकि श्रीलंका वहां होगी, डराने के काम आएगा। चलिए देखते हैं किस कदर फिदा है दुनिया और किस तरह से न सिर्फ श्रीलंका बल्कि पाकिस्तान को भी पाठ पढ़ाया है भारत ने। इसको आप कह सकते हैं कि जी एम्बैरसिंग किस्म की ये डिफीट है? नहीं, इसको आप कह सकते हैं डेफिनेटली डोमिनेटेड। जो बाबर आजम का एक तकिया कलाम है, तो वो अक्सर मैच हार के भी इस्तेमाल कर देता है कि जी हम मैच में हमने डोमिनेट किया, लेकिन असली जो डोमिनेशन है वो इस एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका वाले मैचेस में, पहले पहले वाले में नहीं, दूसरे दूसरे वाले में, क्योंकि दो दो मैच खेले हैं इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ। पहले में बारिश आ गई और दूसरे में 228 रन के से हारा पाकिस्तान, और श्रीलंका वाला पहला मैच भी इंडिया जीता जरूर, लेकिन वो थोड़ा सा क्लोज कंटेस्टेड मैच था। आज तो कोई मुकाबला ही नहीं हुआ, बिल्कुल वन साइडेड मैच, और वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने खतरे की घंटी बजा दी है बाकी बड़ी टीमों के लिए। एशिया में तो अब जो है वो आपके सामने ही है। पाकिस्तान इतनी बड़ी शिकस्त के बाद अभी तक उठ नहीं पा रहा, कभी एक मसला तो कभी दूसरा मसला, इतनी बड़ी शिकस्त थी। तो मोहसिन अली साहब, एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड, स्टीम रोल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। इसको कहते हैं कि क्राउड का भी लिहाज नहीं किया, इतना बड़ा क्राउड था। वो विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे थे समंदर आ गया, आउट नंबर्ड इंडियन, तो इंडियन आउट नंबर्ड तो हो गए क्राउड में, लेकिन उनकी जो टीम थी उसने जो आउट नंबर्ड किया, तौबा 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 तौबा, इतनी बुरी तरह। देखे पाकिस्तान की आप 228 की बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ सस्ते से यूट्यूबर्स जो है इंडिया के, वो भी लगे हैं पाकिस्तान बच गया, पाकिस्तान ही होता। देखो पाकिस्तान 228 हो गया, हार गया, सब कुछ ठीक है, ये 50 का काम ना होता। मैं नहीं कहता पाकिस्तान, ऑब्वियसली हमारा मोरल डाउन था, लेकिन पाकिस्तान 50 पे ना आउट होता, पाकिस्तान के क्राउड स्टेडियम में हो इतना ज्यादा क्राउड हो और पाकिस्तान 50 पे आउट हो जाए, सवाल ही नहीं पाता। ये कोई चुगड़ मुगड़ आ जाते हैं उठ के व्यूज के चक्कर में, वैसे ही उसको व्यूज दे दिया करें आप। क्रिकेट शुभम बोल के अभी कह रही है 50 ओवर के मैच में 50 पे आउट होगी जनाब। वाह क्या बात है, 50 ओवर के मैच में वालों पे 50 पे आउट, इट टुक देम ओनली 92 डिलीवरीज, और सिराज ने ही ओवर किए हैं, सारे ओवर टेक्निकली सिराज ने किए। अच्छा एक तो मैसेज उस वक्त क्योंकि रुक रहे थे, मजा नहीं आ रहा था, एक तो कह रहे थे जी के कौन सा कमाल किया रोहित शर्मा ने, जब 4 आउट हो गए मैच खत्म हो गया। बेटा 4 आउट हो गए, 66 से 266 हुआ, 66 से 266 हुआ, हुआ या नहीं हुआ? तो 4 आज से पहले इंडिया ने कितनी दफा शुरू में आउट किया, फिर भी टीमें आगे निकल गई। आज देखे जब कोई अच्छा काम करता है तो क्रेडिट दे देना चाहिए, कोई पेट में दर्द नहीं होता, जिसके दर्द होगा मेरे पास दवाई मौजूद है। कामले कह रहे हैं सर, आई रियली थैंक यू बोथ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई सेंड सम नॉनसेंसिकल मैसेजेस टाइम टू टाइम, जस्ट इमोशनली यू पीपल एक्ट मैच्योरली, थैंक यू सर। मैं इस पे जवाब दूंगा कि आप एक अच्छे घर की, आपके घर की तालीमात अच्छी हैं, बड़ा दिल चाहिए होता है अपनी गलती मान लेना और ऐसे लफ्ज लिख देना, वेल डन, शाबाश जी। कपिल गामले साहब, परसों तरसों आपका मैसेज जो है वो जरा मजेदार नहीं था, इट वाज इन बैड टेस्ट,
but it's very nice to know that you have realized your mistake and this is what matters. लोग गलतियां करके अपनी गलती पे डटे रहते हैं. सही बात. तो आपको एहसास हुआ है, चलो यही अच्छी बात है. थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज का. और बाकी हम कोशिश करते हैं, आप दोस्तों को पसंद आ जाती हैं बातें. थैंक यू रियान अली कह रहे हैं. रियान अली साहब कह रहे हैं, मौसम भाई यू नीड टू वर्क ऑन योर गट फीलिंग जनाब. भाई मैंने तो पहले कहा था सबकी गट फीलिंग रह जाएंगी. गट फीलिंग पर काम करने की जरूरत है जनाब आपको. वो कह रहे हैं मजीद इस पे काम करें क्योंकि ये बड़ी अच्छी गट फीलिंग है आपकी. और गट फीलिंग क्या, आज तो लॉजिकली सारी बातें हो रही थी. गट फीलिंग तो बता रहा था आपको, प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन कर रहा था आपको, सारी सूरत हाल सिखा रहा था, समझा रहा था. दोस्त नाराज हो रहे थे, बात किया कि या तो आप बताएं वाले लेके अगर कुलदीप से अच्छा है तो आप मुझे बताएं कैसे अच्छा है. सही बात. जिसकी उम्र इतनी नहीं जितने मैच खेल गया कुलदीप. अच्छा मौसम भाई, अब यहाँ पे सवाल आपसे ये है जी कि 228 रन की शिकस्त के बाद देखिए अब पाकिस्तान जरा थोड़ा तितर बितर हुई हुई है जी. बड़े मसाइल इधर उधर, इतनी बड़ी मॉरल डेंटिंग किस्म की हार थी और अब वहां से हमारे फास्ट बॉलर्स भी और भी ओपनर का मसला और स्पिनर्स सर टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है. अब श्रीलंका जब 50 पे आउट हुआ है तो आप क्या समझते हैं ये वर्ल्ड कप से पहले खड़ी हो पाएगी या ये वाला जो हार है ये वाली बड़ी हार ये आप इनको काफी टाइम लगेगा. व्हाट डू यू से? नहीं मेरा नहीं ख्याल है कि रिजवान हैदर साहब ठीक है. इट्स अ वेरी वेरी नर्व रैकिंग मोरल डेंटिंग क्रशिंग और बैड फॉर नर्व्स. ऑब्वियसली इट्स वेरी बैड. आप अपने घर में अपने क्राउड के सामने अपने कंडीशंस में हारते हैं, सब हारते हैं. ऐसा नहीं है कि इंडिया कभी नहीं हारा, इंडिया भी हार जाता है. लेकिन रिजवान ऐसी हार जो होती है ना ये आपकी बात में बड़ा दम है. बट आई फील लाइक दैट कि अभी हमें अगर इंसाफ से देखें जैसे बांग्लादेश में हमने कहा 5 लड़के नहीं थे, कुछ ने कहा मर गए लुट गए, इंडिया फारिग है, श्रीलंका आसमान पे है, दे डोंट नो क्रिकेट. मेरा ख्याल है कि 4-5 लोग जब इनके आएंगे चमेरा वगैरह सारे और हसारंगा भी तिशकाना भी तो दे आर अ डिफरेंट टीम. ऑब्वियसली दे विल बी अ वेरी डिफरेंट टीम. सही. यस दे विल. आप जितनी जल्दी इस हार से बाहर निकल, देखो शनाका सिर्फ कप्तानी अगर करनी है तो फिर सिर्फ कप्तानी तो महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कप्तान ही कोई नहीं, रिकी पॉन्टिंग से बड़ा कप्तान. सिर्फ कप्तानी करानी है ना तो सिर्फ कप्तानी करा लें. बात यह है मेरा भाई कि आपने प्रोड्यूस भी करना है, परफॉर्म भी करना है. जी कप्तान वो होता है जिसकी टीम में अनडाउटेडली प्लेस पक्की होती है. मैं नहीं कहता प्लेयर बेस्ट होता है लेकिन टीम में 11 में उसकी जगह कंफर्म होती है. शिनाका क्या कर रहा है, बिट्स एंड पीसेस. बॉल बहुत अच्छा था सिराज का, आप देखिए कितना गंदा बीट हुआ है ये, गया और इसको समझ ही नहीं आई कर क्या रहा, वो गया किला. लेकिन रिजवान साहब जब आप इस लेवल पे खेल रहे हैं, एक वर्ल्ड चैंपियन टीम की, आपने एशिया कप भी जिताया नो डाउट, लेकिन यार इतनी गंदी परफॉर्मेंस बैट से इट मेक्स नो सेंस. देखे रोहित एशिया कप ऑनेस्ट टू गॉड, और मुझे आदत है सीधी बात कर देता हूं मुझे कोई परवाह नहीं, रोहित हैज इंप्रूव्ड 10 times. मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि जो मैं बार बार कह रहा था इंडियंस को कि आप अपनी बॉलिंग को रूल आउट कर रहे हैं, आप अपने पेसर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. बुमराह आ गया, बुमराह आ गया, बुमराह आ गया. और देखे मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ठाकुर इस पेस अटैक में फिटिंग नहीं होता. ऑनेस्टली स्पीकिंग ठाकुर 3 विकेट ली 5 विकेट ली 6 विकेट, I'm not bothered about that. When you are comparing as a bowler, then you need to compare with a bowler. You can't compare an orange with an apple. आपने सेब के साथ सेब, किन्नू के साथ किन्नू को कंपेयर करना. बॉलिंग में 65 रन दे के अगर तो 65 रन शामी देगा 3 विकेटों के लिए फिर तो मैं कहूंगा ये ठीक कह रहे हैं, नहीं देगा तो फिर ये देखे. मेरा ख्याल है इंडिया की जो टीम बनती है ऊपर से, मैं आपको अपनी टीम बता देता हूँ वर्ल्ड कप की, रोहित शर्मा. और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दूंगा आपको कि नीदरलैंड का मैच है या कोई एक आध मैच है जिसमें ये दे कैन अफोर्ड के थोड़ा सा बैंक स्ट्रेंथ पे आ जाए वर्ल्ड कप में, क्योंकि लॉन्ग है, लंबा है,
You need to be very careful. You need to use your specially bowlers, not talking about batsmen. Batsmen ko jitne match denge fayda hai. Bowler thakega. Obviously machine ko bhi rest chahiye. Rohit Gill. Acha aaj log keh rahe hain ek baat kar tu usme. Ishan Kishan kyun aaya? Yaar kitne bewakoof hain jo ye baat kar rahe hain. Agar aaj bhi na aaya to fir kya baat hai ye Ishan Kishan bhai? Kyun aata Rohit Sharma? Why Rohit Sharma ka? Ye to aapko appreciate karna chahiye. कि यार उसने कहा जाओ बेटा बैटिंग करो. बिल्कुल सही बात. नीड टू अप्रिशिएट देखे रोहित शर्मा गिल दे आर द ओपनर्स नंबर तीन पे. आंखें बंद करके मैं उतारूंगा रोहित विराट कोहली को. नंबर चार पे आइए नहीं है राहुल ठीक है. पांच पे ईशान किशन ठीक चल रहा है. आपको क्या जरूरत है पंगे लेने की अगर अय्यर नहीं है. अगर अय्यर नहीं है तो किशन. छठे पे हार्दिक पांड्या. सातवें पे जडेजा. यू डोंट नीड टू टेक बिट्स एंड पीसेस. कुलदीप 8 सिराज 9 बुमराह 10 शमी 11. तो दोस्तों ये है टीम स्क्वाड नहीं है पूरी प्लेइंग 11 बता दी है यहाँ. आपकी इस पर क्या राय है? अभी राय देने का मूड नहीं है थोड़े टेंशन में है तो जाकर रोस्ट देख लीजिए. मूड फ्रेश होगा. पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती सोचती है भारत की इतनी बड़ी जीत पर? पाकिस्तान होता फाइनल में तो क्या होता? कई सारे सवाल हैं. बड़े मज़ेदार जवाब दे रही है जनता तो जरूर देखिएगा. बिड़ू कैसा क्या कर रहा है मिस्टर इंडियन बैकर? अभी के लिए बस यही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.